आप ठीक है। फेमा हम्म एनडीआई रूल्स कर रहे थे, रेगुलेशन 6 और शेड्यूल 1 हम करे थे, 6 का ए हम्म करे थे। एक बार पढ़ के बता दो 6 से क्या कह रहा था और शेड्यूल क्या कह रही थी। एक सेकंड, ये रूल 6 है राइट? यस हाँ, तो basically rule 6 was investment by person resident outside India. तो बेसिकली यही था कि फॉर एग्जाम्पल इफ बिल गेट्स हैज टू मेक इन्वेस्टमेंट तो वो क्या क्या उस पे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले था कि ROI जो होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग, परचेजिंग और सेलिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन इंडियन कंपनी by following conditions which are laid down in the Schedule 1. फिर हम लोग ने Schedule 1 पढ़ा था। उसके प्रोवाइडेड अ, दैट हाँ, provided that a person who is citizen of Bangladesh or Pakistan या फिर और an entity incorporated in Bangladesh or Pakistan cannot purchase equity instrument without the prior government approval. उसके बाद provided further that a citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan cannot invest in defense, space, atomic energy, and sectors or activities prohibited for foreign investment, even through the government route. ठीक है। उसके बाद नोट शेड्यूल में था कि हाँ जो हाँ, पार्टिसिपेटिंग राइट इन ऑयल, उनका भी ट्रांसफर करोगे तो वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे। हम्म हम्म उसके बाद हम शेड्यूल पे हैं। शेड्यूल 1 कि क्या तरीके से वो लोग बाय कर सकते हैं। क्या तरीके। Schedule 1 शुरू। हाँ, तो Schedule 1 एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या कंडीशंस है हम्म, थ्रू विच परचेज या सेल ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है इंडियन कंपनी का हम्म, बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। हम्म, तो पहला है, सबसे पहले जनरल कंडीशन था कि इंडियन कंपनी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है टू अ हम्म, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, सब्जेक्ट टू जो एंट्री रूट है, सेक्टोरल कैप एंड अटेंडेंट कंडीशनैलिटीज प्रेस्क्राइब्ड इन दिस शेड्यूल, ठीक है। जनरल कंडीशन था। फिर जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है मैं परचेज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ लिस्टेड इंडियन कंपनी हम्म, ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, प्रोवाइडेड दैट हम्म, कंडीशंस था कुछ कुछ, जैसे पहला था द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मेकिंग इन्वेस्टमेंट हैज ऑलरेडी acquired एंड हैज acquired कंट्रोल ऑफ सच कंपनी इन accordance विद द सेबी SAST रेगुलेशन एंड continues टू होल्ड सच कंट्रोल, पहला। दूसरा क्लियर है था द इसमें? कोई अमाउंट डाउट? ऑफ, क्या कह रहे हो सर, बोलती जाओ समरी में क्या कह रहे हो। पहला पॉइंट क्या क्या सर? बोल, समरी में बता दो क्या कह रहे हैं हाँ, बस। पहला पॉइंट ये बोल रहे हैं कि कोई भी PROI है अगर वो हम्म, परचेज करना चाहता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड कंपनी का, हम्म, तो पहला कंडीशन ये है कि वो पर्सन के पास जो है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो हम्म, पहले से ही उसके पास कंट्रोल होना चाहिए ऑफ दैट कंपनी। हम्म, और कंट्रोल कैसा कंट्रोल, तो वो सेबी SAST में जो कंट्रोल का डेफिनेशन है उस मुताबिक अगर कंट्रोल है उसके पास हम्म, तो वो परचेज कर सकता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड अच्छा। कंपनी का, हम्म, पहला कंडीशन था। दूसरा कंसिडरेशन के रिगार्ड में था हम्म, कि कंसिडरेशन है वो कैसे पे होना चाहिए, तो जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो ऐसा होना चाहिए जो RBI स्पेसिफाई किया है, हम्म, या फिर जो उसको इंडस्ट्री कंपनी से जो डिविडेंड वो रिसीव किया है, हम्म, हम्म, डिविडेंड के थ्रू वो सब्सक्राइब कर सकता है इक्विटी, डिविडेंड के मतलब शेयर्स को, या हाँ, जो शेयर्स का पैसा है वो हाँ डिविडेंड के पैसे से दे सकते हैं, प्रोवाइडेड वो पैसा एक स्पेशल नॉन इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। हाँ, ये था। फिर तीसरा कंडीशन था होली ओन सब्सिडियरी के रिगार्डिंग, हम्म, wholly owned subsidiary set up in India by a non-resident operating in a sector, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये था कि जो हम्म, wholly owned subsidiary है हम्म, which has been set up by the non-resident entity, हम्म, जो ऐसे सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है जहाँ पे 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है थ्रू ऑटोमेटिक रूट, एंड कोई भी एफडीआई लिंक परफॉर्मेंस कंडीशन नहीं है, वो भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर सकता है नॉन रेसिडेंट एंटिटी को। लेकिन में क्या था कि अगेंस्ट व्हाट, जैसे प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हो गए, बेसिकली ये था कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इन लियो ऑफ जैसे प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हो गए, मैं फिर से करूं क्या? चलेगा। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? हेलो, आवाज आ रही? हेलो, हाँ जी, हाँ सर, थोड़ी सी ठीक। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि आप इशू कर सकते हो अगेंस्ट फ्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। आपको क्या इशू कर सकते हैं? नहीं आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही। हेलो, रिज्वाइन करो। हेलो, हेलो, आवाज आ रही? हाँ, अभी सर फिर से कनेक्ट किया तो ठीक है। ठीक है। टी पॉइंट में क्या बोल रहा था? एक्सपेक्टेड। हाँ, तो बेसिकली भाई कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पॉइंट था कि शेयर्स इशू कर सकता है इन लियो ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन या प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस जो इनकर हो रहे हैं उसके लियो में। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन दिया हुआ था लिमिट का कि अप टू अ लिमिट ऑफ 5% ऑफ द ऑथराइज कैपिटल और यूएसडी 5 लाख व्हाटएवर इज लेस। और सब्जेक्ट जो प्री इनकॉर्प मतलब और क्या कंडीशन इसके अलावा रिपोर्टिंग या कोई रिपोर्ट करना है 30 डेज में। हाँ, आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा विद इन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा, बट नॉट लेटर देन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हाँ, ए बी सी में कोई डाउट नहीं? नहीं। हाँ, इंडियन कंपनी में इशू सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द कंडीशन। हाँ, इसमें भी वो सेम ही चीज है, एक तरह से कंसिडरेशन अदर देन अच्छी है कि इंडियन कंपनी इशू कर सकता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद कंडीशंस प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई, जिसमें ये कि अगेंस्ट व्हाट, तो स्वैप ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीद रहा है इंडियन कंपनी है, उसके बदले अपना दे रहा है, right. या फिर इम्पोर्ट हुआ है कैपिटल गुड्स या मशीनरी या फिर कोई इक्विपमेंट का इम्पोर्ट हुआ है, इम्पोर्ट किया इंडियन कंपनी, उसके बदले अपना इक्विटी शेयर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है। या फिर सेम थिंग प्री ऑपरेटिव या प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो इनकर हुआ है उसके बदले अपना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है, provided that a government approval shall be obtained if the Indian investee company is engaged in a sector under government route. और अगर कोई government route में कोई sector है तो government approval का जरूरत पड़ेगा, and the application for approval shall be made for the manner in the manner prescribed by the central government. डी दो पार्ट में, अगर कंपनी जो है वो ऑटोमेटिक रूप में आपको कंडीशन फॉलो करना है, कंपनी में आप ये 3 चीजें कर सकते हो। अगर ऑटोमेटिक फॉलो करो और अगर गवर्नमेंट अप्रूवल है तो अप्रूवल लेके करो, आगे में कोई लेटर आना चाहिए गवर्नमेंट से आपको अलाउड है। अप्रूवल है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है आगे बोलो। देखिए इंडियन कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट एनी फंड्स पेबल बाय इट और हाँ इसमें ये था कि इंडियन कंपनी है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है व्हाट अगर उसको कोई उसका कोई फंड था जो पेबल था टू द PROI तो फिर उसके बदले वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको कुछ रेंट पे करना था पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को या कुछ डिविडेंड पे करना था तो उसके बदले वो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता है। बट कंडीशन ये कि जो रेमिटेंस है ऐसा रेमिटेंस शुड बी परमिटेड अंडर द एक्ट, मतलब फेमा एक्ट में वो परमिटेड होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है RBI का वो परमिटेड होना चाहिए, डायरेक्शंस में परमिटेड होना चाहिए एंड does not require prior permission of the central government or the RBI under the act or rules and regulations. So basically ये सारा चीज परमिटेड होगा तभी वो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता है अगेंस्ट एनी फंड्स पेबल बाय द इंडियन कंपनी। तीन चीजों में बांटा उसने बोला जो रेमिटेंस आप कर रहे हो ना वो तीन टाइप की हो सकती है। एक लॉ में अलाउड है, अलाउड टू बी रेमिटेंस। हाँ दूसरा लॉ में उसके लिए किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है परमिशन की, सेकंड पॉइंट। और थर्ड अगर परमिशन की रिक्वायरमेंट है तो आपने RBI से वो परमिशन लेके रखी हुई के अगेंस्ट में आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं ओके अच्छा ठीक है मतलब ये तीनों फुलफिल होगा तभी आप कर सकते हैं। हाँ मतलब अगर सुबह वो आपने परमिशन नहीं लिया और वो परमिटेड कैटेगरी में आता है परमिशन वाली कैटेगरी में तो आप उसके अगेंस्ट में आपको रेमिटेंस नहीं करना, आप शेयर्स नहीं दे सकते विदाउट परमिशन। तो अगर आपने फंड रेमिटेंस की परमिशन ले ली तो उसके बाद उसके अगेंस्ट में आप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। अगर लिखा कि दिस टाइप ऑफ पेमेंट्स कैन बी डन विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम RBI तो उसके अगेंस्ट में भी आप इशू कर सकते हो। अच्छा तो पहला कैटेगरी जिसकी रेमिटेंस परमिटेड है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट लिया था उसके ऊपर डिविडेंड दे सकते हैं। फिर उसमें ये लिखा हुआ है कि इस टाइप की पेमेंट के लिए आपको कोई भी प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है तो उस टाइप की रिमिटेंस के लिए भी आप दे सकते हो। और फिर वहाँ लिखा है कि इस टाइप की पेमेंट के लिए आपको प्रायर परमिशन लगेगी और आपने वो परमिशन लेके रखी हुई है और उसके अगेंस्ट शेयर इशू कर तो भी लाभ है। अच्छा तीनों क्या कह रहा है कि जब RBI ने परमिशन दी थी रेमिटेंस करने के लिए तो आप इशू कर सकते हो उसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर, लेकिन अगर आपने जितने टाइम तक आपको जो भी लाइबिलिटी ना करने की RBI की परमिशन। डिले वाला पॉइंट क्या था सर? आपने मेरे परमिशन मांगी, मैंने कहा आपने पे नहीं किया और उसके बाद आपने उसके अगेंस्ट जो आपने मेरे को एक महीने में पे नहीं किया तो उसके लिए जो मैं पेनल्टी लगाऊंगा वो मेरा राइट है, लेकिन आपके लिए कोई शेयर इशू कर सकते हैं। एग्जाम्पल जहाँ पे क्लियर जी सर एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क का आई थिंक इशू है सर तो आवाज चला जा रहा है बीच बीच में इसलिए आई डोंट नो इसी में क्यों होता है। यहाँ तो ऑलरेडी लैंड वन लगा दिया। अच्छा वही पेज खुल गया। चलो बढ़िया। अब ये देखो ये जो था ये लाइन थी एडिट एनीवे। आपको RBI परमिटेड टू पे डिविडेंड ऑफ USD 1000 by December 31st। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि आपको यूएस डॉलर December 31st तक रिमिट कर देना था। राइट, अब डेट आ गई जनवरी 15-24। आपने अभी तक रिमिट नहीं किया, आपने इस कंडीशन का डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, आपको फाइलिंग पेनल्टी जो लगना है वो लगाएगी आरबीआई। ठीक है, बट स्टिल जो यूएसडी 1000 है जो टेबल है, अगेंस्ट दैट इशू कन्वर्जन इश्यू ऑफ इक्विटी अलाउड है, लेकिन फाइन पेनल्टी डिले के लिए जो लगा है वो लगेगा आपको। अब इस लाइन पे कॉलेज के प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर परमिशन हैज बीन ग्रांटेड बाय आरबीआई फॉर मेकिंग द इंडियन कंपनी फॉर मेकिंग रेमिटेंस, द इंडियन कंपनी मेकिंग इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट सच रेमिटेंस, प्रोवाइडेड all regulatory actions with respect to the delay or contravention under the act or the rules or the regulations framed thereunder have been completed। आप समझ में आ गया, वो सारा फाइन वगैरह जो भी लगेगा वो देना पड़ेगा। आपकी फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं गई तो आगे ये चीज अलाउ करता है, फॉरेन एक्सचेंज बचती है, बाहर नहीं देनी पड़ती। अभी आपको आरबीआई इंपोर्ट अलाउ करेगा या एक्सपोर्ट अलाउ करेगा, उसकी फेवर बता रहेगा। आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी आती है तो एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, इंपोर्ट में फॉरेन करेंसी बाहर जाती है तो वो डिस्करेज करेगा। आवाज है क्या? जी सर, आवाज आई थी कि नहीं? बीच में थोड़ा सा, हाँ, अगर नहीं आए ये कट जाए तो दोबारा पूछ लो। सर आपका इंटरनेट कनेक्शन आज थोड़ा सा मुझे लगता है नहीं, फुल है कंपनी वाला लैंड स्पीड में मोबाइल से। अच्छा, लैंड का एक बार मोबाइल डेटा से स्विच करके शायद बेटर हो जाए। मोबाइल पे भी डाल। हेलो, हाँ एक सेकंड, मोबाइल से करते हैं। मोबाइल पे वैसे उससे भी ज्यादा नेटवर्क है। अच्छा, झूठ फिर भी डाल देता पर वो कंफ्यूजन पड़े होंगे। इसको अभी आवाज आ रही सर? मच बेटर है। हाँ ये सही है। अब आगे बोलो, मोड ऑफ पेमेंट एंड अदर कंडीशंस। हाँ, नहीं था सर कि जो मोड ऑफ पेमेंट है और जो अदर अटेंडेंट कंडीशंस है फॉर रेमिटेंस ऑफ सेल और मैच्योरिटी प्रोसीड्स, वो ऐसा होना चाहिए जो आरबीआई स्पेसिफाई करता है। अभी आपने जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीदे, जो आपने इनको जब आप बेचोगी तो वो जो पैसा है वो कैसे आप बाहर लेके जा सकती हो, नहीं लेके जा सकती हो, क्या करोगी, उसके लिए आरबीआई रूल बनाएगा, ऐसा लिखा हुआ रेगुलेशन जी। तो वहाँ पे आपको एक कहीं ना कहीं कोई रेगुलेशन बने होंगे जहाँ पे लिखा होगा कि रिमिटेंस कैसे होंगे, तो जब हम वो पढ़ेंगे तब तो हमको वो यहाँ से आएगा। अच्छा ठीक है, तो ये सिर्फ इतना बता रहा है कि जो अभी ऊपर तो उसने बताया कि आप कैसे कैसे खरीद सकते हो या इश्यू कर सकते हो, लेकिन जब उसका रिडम्पशन कैसे करना है, उसका पैसा वापिस कैसे भेजना है, उसके लिए अलग से रूल्स आएंगे, ये बोल रहे हैं। तो बेसिकली सर प्रिसाइसली शेड्यूल 1 सिर्फ ये बताता है कि आरओआई को अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब खरीदना है तो क्या प्रोसीजर है, मतलब क्या लॉ है इसमें, कोई प्रोसीजर नहीं बता रहा। अच्छा ठीक है। एक मिनट है बेटा, होल्ड।